देखो जी, अपनी अज की यह वीडियो शुरू करन तो पहला आप जी के चरणों के विच बेनती है कि जेकर अज की यह वीडियो तुहाडे तक आ गई आ, तुसी सुननी शुरू कर दिती आ, तो फिर कृपा करके अज की इस वीडियो नूं पूरा अंत तक ध्यान दे नाल जरूर सुनना, क्योंकि अज की वीडियो की एक एक गल बहुत कीमती आ, साढ़े काम आउण वाली आ। जेकर इन्हां गल्लां नूं आपां ध्यान दे नाल सुन के समझ लैने अपनी जिंदगी दे विच लागू कर लैने तो सच करके जाणिओ साढ़े घर दीआं खुशियां बरकतां सुख शांति कई गुणा वध जावेगी। सचमुच ये दिवाली का त्यौहार साढ़े घर नूं खुशियां दे नाल बरकतां दे नाल भर जाएगा। तो फिर आओ अज की वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो नूं पूरा सुनना। जे वीडियो चंगी लगी तो फिर इसनों लाइक अते शेयर कर देना ता जो ये मैसेज होर भी भैन भरावां तक पहुँच सके। कमेंट बॉक्स के अपनी हाजरी जरूर लगवानी। तो आओ अज की वीडियो शुरू करते हैं। अपनी अज की वीडियो का विषय की है कि दिवाली के त्यौहार से सफाइया करते समय घर का आ एक कोना चंगी तरह साफ करो, क्योंकि जो दिवाली का त्यौहार आता है ना साढ़े मन के बड़ा चा बड़ा उत्साह होता है। दिवाली का त्यौहार मनाने वाले के मन के दिवाली नू लैके सब तो पहला चार गल्लां आउंदियां ने। पहली घर की साफ सफाई, दूसरा मठियाई, तीसरा एक दूसरे नू शुभकामनावां देनियां दुआवां देनियां, चौथा दीवे भाव की रोशनी। ये चार काम करन तो बिना दिवाली का त्यौहार नहीं मनाया जा सकता। ये चार काम करन की तैयारी कई दिनों तो पहला ही शुरू हो जाती है। हर एक मनुख आपो अपने घर दियां चंगी तरह साफ सफाइया करता है। हुण साफ सफाई तो आप रोज रोज करते हैं, पर जदों दिवाली का त्यौहार आता है ना तो सफाई अलग तरीके दे नाल कीती जांदी है। पर फिर भी इन्नी साफ सफाई करन दे बावजूद असी एक ऐसा कोना छड बैठते हैं जिस कोने दे नाल साडे घर की बरकत साडे घर की सुख शांति साडी जिंदगी दीआं खुशियां जुड़ियां होईआं ने। असी बाकी सारे घर नूं साफ सुथरा कर लैंदे आ पर अपने मन नूं साफ सुथरा नहीं करदे, मन नूं उसे तरह ही मैल दे नाल भर के रखदे आ। जिवें हुण देखो घर की साफ सफाई की गल कर लईए, घर की साफ सफाई तां आपां रोज रोज करदे आ, पर दिवाली दे त्यौहार ते आपां अपने घर नूं अलग तरीके दे नाल साफ क्यों करदे आ? क्योंकि रोज रोज जिहड़ी सफाई करदे आ ना उह सफाई उपरों उपरी हुंदी आ। कई बार आपां कुछ चीज़ां चुक के कबड विच रख दिंदे आ, सैल्फ दे उत्ते रख दिंदे आ, कुछ ऐसियां थावां ते रख दिंदे आ जिथे साडी निगाह ना पवे, पर उहनां थावां ते उह बेकार चीज़ां इन्नियां भर जांदियां वी जेकर कोई गलती दे नाल उह कबड नूं खोल दवे उस अलमारी नूं खोल दवे तां इक्के दम उह चीज़ां बाहर आ जांदियां ने। उस ही तरह साडी जिंदगी आ, अते साडी जिंदगी दीआं कुछ घटनावां ने कुछ गल्लां ने जो आपां अपने मन दे विच पकड़ के रखदे आ फड़ के रखदे आ। कई बार सानूं लगदा हुंदा है ना कि साडा इह रिश्ता जां साडा इह रिश्तेदार इहदे नाल साडा संबंध बड़ा चंगा है, बड़ा गूढ़ा है, इहदे प्रति साडा विहार बड़ा चंगा है, क्योंकि असी उहनां नूं खुश करन दी कोई भी कसर नहीं छड्डदे। पर कई बार सोच के देखियो कुछ क रिश्ते जां रिश्तेदार जां साडे संबंध ऐसे हुंदे ने जिथे असी कुछ भी नहीं करना चाहुंदे पर फिर भी उहनां दे लई बहुत कुछ करदे आ। पर जे आपां अपने अंदर झात मारीए तां अंदरों उहनां दे लई कुछ भी करन नूं साडा मन राजी नहीं हुंदा, पर उपरों असी उहनां दे लई बहुत कुछ करदे रहिंदे आ। पर इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी साडे रिश्ते मजबूत नहीं, साडे रिश्तियां दे विच उह प्यार उह विश्वास नहीं। क्यों नहीं आ? क्योंकि अंदर कुछ होर भरिया पिया है, साढ़े अंदर वो पुरानियां गल्लां अज भी रड़कदियां ने जिहड़ियां असी एक कोने दे विच दबा के रखियां ने, पर जदों ही उहनां नूं मौका मिलदा है तां वो गल्लां एकदम बाहर आ जांदियां ने। कई बार आपां देखदे ने कि कुछ क रिश्ते उहनां दे नाल साडा संबंध किन्ना वधिया हुंदा है, असी उहनां दे नाल एक दूसरे दे नाल किन्ना सोहणा वरतदे आ, पर कोई एक गल साडे मूहों निकल जावे ता अगला पूरी तरह दे नाल फट जांदा है। उहदे अंदरों इन्ना कुछ बाहर निकलदा है जो असी अपने बारे सोच भी नहीं सकते। वो क्यों होया? क्योंकि उहदा अंदर भरिया पिया सी। कई वार आपां कह दिंदे ना
मैं ये गल कहना नहीं सी चाहुंदा पर मेरे मुंहों निकल गई, पर सच करके जाणियो जे मुंहों गल्लां उही निकलदियां ने जो साढ़े अंदर भरियां पईआं हुंदियां ने। सो कहण दा भाव इह आ कि जिवें आपां अपने घर दी अपने आले दुआले दी किन्नी साफ सफाई करदे आ, उसे तरह आपां अपने मन दी साफ सफाई भी करनी आ, क्योंकि साढ़े मन दे नाल ही साड़ी तंदुरुस्ती तरक्की जुड़ी आ। जेकर साडा मन खुश आ तां ही साडा तन तंदुरुस्त रहेगा, पर जे साडे मन दे उत्ते मना मनाई मैल जम्मी आ, मन दे विच ईरखा है, मन दे उत्ते कोई बोझ कोई चिंता है, तो फिर साडा मन खुश नहीं आ, फिर साडा मन बीमार आ। ते जे मन बीमार आ तां तन तंदुरुस्त हुंदिया होया भी अपने आप नूं बीमार ही समझेगा। सानूं जो कुछ मिलता है साडे मन करके मिलता है, मन की मजबूती करके मिलता है, मन की खुशी करके मिलता है। जे साडा मन खुश आ साडा मन मजबूत आ तां ही असीं अपने लई सही फैसले कर सकते हैं। तो इस करके आपां अपने मन की भी साफ सफाई करते रहना है, कदे भी मन के उत्ते कुछ भी अजिहियां गल्लां पर पर नहीं रखणियां जिहदे करके साडा मन दुखी होवे साडा मन कमजोर होवे, क्योंकि जिन्ना ही मन कमजोर होवेगा ना उन्ना ही साडा नुकसान आ, पर जिन्ना ही मन खुश होवेगा उन्नी ही साडी तंदुरुस्ती साडी तरक्की वधेगी। आपां कई वार देखदे आ ना मन खुश होवे तां बंदे दा काम करन नूं जी करदा है। कदे भी इह गल नोट कर लिओ कि आपां जदों भी कोई काम करदे आ जेकर साडा मन खुश है ना तो सानू वह काम करने बड़े ही आसान लगते हैं, वह काम करके सानू थकावट नहीं होंगी। पर जे साडा मन उदास आ मन दे उत्ते कोई बोझ आ तो सौखा जिहा काम करना भी बड़ा औखा लगता है। तो भाई साढ़े मन की जिहड़ी ताकत है ना इनू आपां समझना है, मन की पावर नू समझना है, अपने मन नू हमेशा खुश शांत रखना है। इहदे विच चंगीआं चंगीआं गल्लां भरनीआं ने, जे कोई माड़ी गल आउंदी आ माड़ा विचार आउंदा है तां उहनू मन चों बाहर कढ देणा है, क्योंकि उहने अंदरों अंदरी साडे मन नू खोखला करना है, मन नू कमजोर करना है। तां अपने मन की साफ सफाई आपां किंज कर सकदे आ, कुछ समा आपां अपने आप दे नाल बैठीए, अपने आप दे नाल गल्लां करिए, देखिए कि साढ़े मन दे किसे कोने दे विच किसे दे लई कोई वैर विरोध कोई ईरखा तां नहीं, जेकर है तां उहनूं दूर करना है। बस यही सोचना कि ये जिहड़ी ईरखा है वैर विरोध जो मैं कढ रहा हाँ साफ कर रहा ना अपने मन विचों, ये मैं अपने लई कर रहा हाँ सामने वाले दे लई नहीं। जदों आपां सामने वाले नूं माफ करदे आ ना तां उह माफ़ी समझ लो असीं अपने आप नूं दित्ती आ, क्योंकि जिन्नी देर तक असीं उह सामने वाले नूं माफ़ नहीं करांगे उहदियां कहियां गल्लां नूं मन विचों बाहर नहीं कढांगे उन्नी देर तक साडा मन कमजोर साडा मन दुखी हुंदा रहेगा। तां मन जिन्ना ही दुखी होवेगा कमजोर होवेगा उन्ना ही साडी तंदुरुस्ती साडी तरक्की दे विच रुकावटां आउणगियां, पर जिन्ना ही मन मजबूत होवेगा मन तंदुरुस्त नरोआ होगा उन्नी ही साड़ी कामयाबी तरक्की बरकत बढ़ती जाएगी। तो अज की वीडियो बनाने का मकसद ये आ कि आप दिवाली के त्यौहार को मुख रखते हुए ही क्यों ना अपने मन की चंगी तरह साफ सफाई करिए। जेकर किसी के लिए कोई गिला शिकवाए शिकायत या नाराजगी आ उन्हों दूर करके नवे सिरे तो शुरुआत करिए, माफ़ी मंगिए अते माफ़ कर दईए। तो जेकर अज की यह वीडियो तुहानू चंगी लगी आ तो फिर इनू लाइक अते शेयर कर देना, पर जेकर कोई भी गल किसी नू चंगी ना लगी होवे तां फिर अपनी छोटी जां वड्डी भैण समझ के माफ़ कर देना।